हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की ही वो वीडियो है जिसके अंदर आप वो लोकेशन देखने वाले हैं जहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं, जहाँ पर मैं, सचिन और मेरा भाई और मम्मी पापा और दो तीन रिश्तेदार, यहाँ पर सुरेंद्र भाई हैं, उनकी मम्मी और भी एक दो लोग हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है बाइक यहाँ पर, इसको पहले कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ठंडी हो चुकी है। कल के दिन में थोड़ी सी बारिश हुई है जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज के जिले में, तो ये काफ़ी ठंडी होगी। इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से। So guys, इस गाड़ी को साफ करते हुए एक चीज याद आ रही, मैंने एक बार रील्स देखी थी राजपाल यादव का, कोई तो डायलॉग था किसी मूवी के अंदर कि ये साफ सफाई करना ना बहुत हमारा खानदानी काम है, ये कोई नया काम नहीं है। मैं भी करता था, मेरे दादा करते थे, मेरे परदादा करते थे, मेरे पिताजी करते थे, सब कुछ करते थे। खैर, ये फनी वाला जो कैसा लगा हो, ये इसको डिलीट कर, मैं डालूंगा ही नहीं। हेलो गाइस, जहाँ पर आना था हम लोग आ चुके हैं, सब लोग पहुँच गए हैं, पूरी फैमिली, मैं, कुछ रिलेटिव्स भी। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है शीतला माता मंदिर चौकियाँ धाम। ये है जौनपुर सिटी से 12 किलोमीटर दूर। यहाँ पर लोग बैठे हैं, खाना वाना बना रहे हैं। हाँ जी, तो इस जगह का किस्सा कुछ ऐसा है कि लोग जहाँ से भी बहुत दूर से आते हैं, उनकी कुछ ना कुछ मन्नतें होती हैं, कुछ कुछ ऐसी ख्वाहिश होती है जिसको पूरा करना होता है। तो लोग यहाँ पर आकर के पूरी सब्जी, हलवा, ये सब चीज़ें बनाते हैं, माता को चढ़ाते हैं, यहीं पर आकर के कुक करते हैं, सारा सामान लेकर के आते हैं, मतलब अनाज भी और चूल्हा भी, गैस और या फिर लकड़ी पर बनाते हैं तो लकड़ी, सारा कुछ लेकर आते हैं यहाँ पर, कुक करते हैं, जाके वहाँ पर चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद सब लोग खाते हैं, उसके बाद में दर्शन वर्शन करके जो कुछ लेना होता है वो सब लेकर के फिर जाते हैं। बहुत तगड़ा स्टोरी यहाँ का, चलो सब कुछ शूट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे चूल्हे दिख रहे हैं, इस तरफ तो सारे खाली हैं, पर इस तरफ के जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो लकड़ी वकड़ी अभी लेकर के आ रहे हैं, ये लोग यहाँ पर कुक करेंगे, बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर आकर लोग सिर्फ बनाते ही नहीं है, पकाते ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर ही आकर के नहाते भी हैं। जिनमें से ये जो मेरा भाई है अनुप, ये भी नहाया, और ये सचिन, ये भी यहाँ पर नहाया, पर मैं तो रात में नहाया हुआ था इसलिए नहीं नहाया। और ठीक है, मतलब एकदम फ्रेश था तो कोई बात नहीं। पर तो दोस्तों, ये था प्रसाद जो पकाया जाता है, ये है छोटी सी पूड़ी और ये है हलवा। सभी के हाथ में ये प्रसाद है, ये लेकर के चलेंगे मेन मंदिर के अंदर, दर्शन करेंगे, ये चढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद खाएंगे। बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, इतने लोग आए हैं साथ में जो सब निकल रहे हैं। तो गाइस, यही था चौकिया धाम में, आए दर्शन किए सब लोग मिलकर। जब देखो ज़्यादा लोग आते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। यही थी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।